20 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जेवर के नीमका में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए कार्यकर्ता व पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क में जुटे। मेरा नाम इरफान जायसवाल है, मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता हूं। और जो सभी को पता है, हमारे यहाँ जेवर नीमका में 20 तारीख में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, एक सभा होने वाली है, उसके संबंध में गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जेवर नीमका में जनसभा में पहुँचें और राष्ट्रीय लोकदल का हाथ मजबूत करें। ये जो सभा होने जा रही है, जयंत जी पहुँच रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि जो किसान धरने पर बैठे हैं या हमारे मजदूर परेशान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये उद्देश्य है कि जो किसान सड़क पे पड़ा है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, या हमारा नौजवान आज बेरोजगार है, उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है, या फिर बिजली का मुद्दा है, हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, और अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, या जो कुछ भी जगह जगह गैंगरेप हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, या यहाँ का मामला देख लो लखीमपुर खीरी का, वहाँ हमारे एक मंत्री जी हैं, उन्होंने धरने पे बैठे किसानों को गाड़ी से कुचल दिया और सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। हम उसी के लिए ये जनसभा कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और एकजुट हों और आने वाले समय में इस सरकार को मुँह तोड़ जवाब दें। आप सभी को पता है कि इस रैली में हजारों लोगों की संख्या में लोग पहुँचेंगे और जो दूर दराज से लोग भी पहुँचेंगे, और हमारा जो